हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, एक छोटा मोटा टॉपिक है कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि क्यूके वीजीएच वीजीएल बोलकर इंक्रीज करने के लिए और डिस्क्रीज करने के लिए। एक हमारे पास एलजी की स्मार्ट टीवी है और ये एलजी की पैनल है। आपको मतलब ये पैनल की डिटेल्स जानकारी होगी। इसको हमने ऑड इवन को कनेक्ट करके ये पिक्चर आया है और यहाँ पर तीन वायर हमने इसको जॉइंट किए हैं, खासकर उन लोगों के लिए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो ये क्यूके जो है इंक्रीज डिस्क्रीज वीजीएच वीजीएल जो खरीदे हैं या खरीद रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपको समझ के खरीदना होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि सर इस कैसे होगा, तो मेरे पास ये एक आया है जो किए हैं, तो अभी तो ये ठीक हो गया, लेकिन आपको हो सकता है वीडियो में नहीं अच्छा से पता चल रहा होगा, इसकी कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो लो हो गई है और इसमें वीजीएच जो है ना वो लगभग 23-24 बनता है, 28 भी बनता है, 26 भी बनता है और वीजीएल जो है वो कम हो जाती है। यानी ये पैनल अगर शॉर्ट होता है तो आपको मालूम होगा कि वीजीएल कम हो जाता है, 3 वोल्ट 2 वोल्ट 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट हो जाता है और आईसी भी हीट होता है। इससे भी पता चलता है कि पैनल ऑड इवन की समस्या है। और ये जो दाग दिख रहे हैं ना, ये वर्टिकली दाग है, ये कभी भी वीजीएच और वीजीएल जो इंक्रीज डिस्क्रीज जो प्रोग्रामर है इससे ठीक कभी भी नहीं होता है। हमारा ट्रेनिंग अगर आपको अटेंड करना है इसी महीने कोलकाता में 12, 13, 14, 15, आप स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करके अपना सीट कन्फर्म कर लें। हम आज देखेंगे कि लाइव, हमने इससे पहले हम लोग बताया था आपको एक टिकन बोर्ड पे, हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है और कैसे इसको इंक्रीज डिस्क्रीज किया जाता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लें किस तरह से दिखाई दे रहा है और उसको करेंगे तो कितना क्लियर होगा, उससे आपको मिलाना होगा, मिलान करना होगा। आप कोई भी चीज़ खरीदे समझ बूझ कर खरीदे, मेरा वीडियो देखते हुए ना खरीदे, ये याद रखे। किसी का भी वीडियो देखे हुए मत खरीदे। आपको ये लगेगा कि नहीं आप इससे काम कर सकते हैं कि नहीं, आपको इसकी आगे की जानकारी है कि नहीं, ये आपके लिए है कि नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सीके भी लाइन कट करने से, कुछ दाग आने से, कुछ क्लाउड स्क्रीन होने से, कुछ कॉन्ट्रास्ट कम हो जाने से, कुछ बेसी हो जाने से इसको वीजीएच वीजीएल इंक्रीज डिस्क्रीज करके देखा जाता है इस प्रोग्रामर से, आपको याद रखना होगा। तो हम लोग तुरंत, ये तीन वायर है, तीन वायर में हम बता दूं, एचडीएल एससीएल और ग्राउंड, एचडीए एससीएल ग्राउंड, क्योंकि मैंने आगे बार टीकोन में एलवीडीएस लगाकर आपको किया था, बहुत लोग कंफ्यूज थे, तो यहाँ पर एससीएल एचडीए और ग्राउंड या टीएक्स आरएक्स ग्राउंड, टीएक्स आरएक्स ग्राउंड बहुत है। आप अगर ट्रेडिंग में आएंगे तो मैं करके आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे आपके लिए है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, हमने इस प्रोग्रामर को डिस्क्रीज इंक्रीज, प्रोग्रामर बोलना भी गलत भी है सही भी है, यहाँ पर RT809H या F के थ्रू भी इसको हम डेस्कटॉप पे चला सकते हैं, लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। और यहाँ से हमारा TXRX होगा जो बूटो ऑन करना पड़ता है, ये ऑन दिख रहा है और ये ऑन का मतलब है हमारा गामा, गामा को इंक्रीज डिस्क्रीज करना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमने बोला था स्क्रीन पे आपको कर लेना होगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। यहाँ पर आपका अगर आईसी सही है, आईसी अगर आपका सही है डिटेक्ट किया, हालांकि इसमें आईसी का सिलेक्शन है, सिलेक्शन करना पड़ता है, सिलेक्शन के साथ सब्सिट्यूट भी है जो ये मेमोरी के थ्रू वो डीसी टू डीसी आईसी को ही वो डिटेक्ट करेगा और कुछ नहीं, मेमोरी आईसी को भी डिटेक्ट नहीं करेगा, गामा और डीसी टू डीसी आईसी को डिटेक्ट करता है ये। यानी सिस्टम के साथ भी जुड़ा रहता है, जैसे टीकोन हमारा गामा के साथ जुड़ा रहता है, डीसी टू डीसी मेमोरी आईसी वो कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ करेगा वीजीएच वीजीएल और गामा को डिटेक्ट। यहाँ पर डिटेक्ट किया है जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा होगा 5.5 वोल्ट। ठीक, हमारा यहाँ पर क्या है जो एक कॉन्ट्रास्ट आपको लो दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे वीजीएल, जैसे इसको हमने ऑड इवन को इंक्रीज किया है, हम यहाँ पर वीजीएल देखिए दोस्तों,
ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये हमारा ये तौफत है, देखिए यहाँ पर हमारा जो करने से यहाँ पर क्वालिटी हमारा ये आया, ऑड इवन करने के बाद यहाँ पर हमारा क्वालिटी आया, कितना आया तो यहाँ पर हमारा 6.1 वोल्ट, जैसे हमने 6.1 वोल्ट दिया यहाँ पर, जैसे हमने 6.1 वोल्ट दिया तो ये हमारा थोड़ा क्वालिटी बढ़ गया, जो आपको बोला था ना स्क्रीनशॉट पे रखिएगा जो आपको दिखाऊंगा। अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, सेव कर लेना पड़ता है, सेव, जैसे हमने सेव किया ये सक्सेसफुली, ये चाइना का भाषा है सक्सेसफुली, मतलब ये हमारा सेव हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये सेव होने के बाद जैसे हम इसको टीवी को प्रोग्रामर को हम बंद कर देंगे, यानी यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर प्रोग्रामर को हमने बंद कर दिया है, आपको बोला था ना स्क्रीन शॉट आप ले ले, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्रामर को बंद कर दिया और ये फाइनली जो है हमारा 6.1 वोल्ट में ये पैनल सेव हुआ, 6.1 वोल्ट VGL, ओके दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।